ये देखो भैया बन गई पूरी दीवार। नदी बड़ों को राम राम और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो अपनी छुट्टी को इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों में जो रूटीन स्कूल में हम नहीं कर पाता। मैं इस बुक के साथ, ये बुक जो मैंने आपसे कहा था, तो अच्छा मज़ा आ रहा है और काफ़ी कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट शेयर करने का कल मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूँगा, पर कल टाइम नहीं मिला। आज ज़रूर टाइम निकालूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कितने बादल हैं, बड़ी प्यारी सुबह है यहाँ। आज अभी निकल चला हूँ अपनी बुक के साथ, नदी के साथ साथ चलूँगा और कुछ अच्छा मिला रास्ते में तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलता है वैसे, रोज़ अच्छा तो मिलता ही है, लेकिन अगर मौका मिला उसको कैमरे में कैप्चर करने का तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। देखो चलते चलते एक चीज़ ऐसी मिली जो अपने इंडिया में नहीं हमें देखने को मिलती। यहाँ पे घर के जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत अलग हैं अपने इंडिया के घर के स्ट्रक्चर से, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हैं ये अलग। एक तो यहाँ पे ब्रिक्स, ईंटें यहाँ पे यूज़ नहीं होती, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह से लकड़ी का फ्रेम, लकड़ी के फ्रेम से ये लोग घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके बाद जो दीवारें हैं वो भी लकड़ी की शीट्स की फॉर्म में, पीओपी की फॉर्म में दीवारें जो है वो लगा दी जाती है। देख रहे हैं आप लोग कैसे लकड़ी का फ्रेम है, ये पूरा घर ये फ्रेम की तरह बना दिया। इस तरह के घर होते हैं, ऐसे घर बनाए जाते हैं यहाँ पे। ईंटें यूज़ नहीं होती, कंक्रीट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। दूसरी दीवार पे काम कर रहे हैं और ये दूसरी दीवार खड़ी होगी, ये होगी दूसरी दीवार खड़ी, और ये देखो अब आप लोग तीसरी दीवार। देखिए इनकी कीले गाड़ने की पिस्टल, इनकी अब ये लगा देंगे इस तरह की शीट। और देखो बन गया है,
तो छोड़ दिया है, स्टीयरिंग भी गिरा देते हैं। नहीं, मैं हाथ चला रहा हूँ। ले भाई, ये कौन आया कपड़े मारने? प्लैटिनियम अब इसके ऊपर वैक्स क्लियर चढ़ा दी हो जो प्लैटिनियम वाला था। शाम होते होते अभिमन्यु ने कहा कि इसको कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेना है, तो हम अब जा रहे हैं स्पोर्ट्स एकेडमी और आप लोगों को आज स्पोर्ट्स एकेडमी दिखाएंगे। यहाँ पे ये स्पोर्ट्स एकेडमी एक स्टोर है जिसमें सभी तरह के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन पे एक बात बता रहा हूँ कि कितना मेहनत कम कर रहे हैं। वो तो मेरे को भी अभी पता है, तो ये गलत बात है ना। एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, आपको पता है, फिर भी उसको यू आर लेटिंग इट गो अवे। तो कल से वो शेड्यूल फॉलो करना,
उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दो। प्रॉब्लम देखो, अगर आप अपना गोल अचीव कर रहे हो उसके उसके चलते तो ठीक है, कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो गोल तो मैंने बनाया ही नहीं है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो आप शेड्यूल बना रहे हो तो उसका आपका कुछ एम तो होना चाहिए ना। अभी फ़िलहाल तो एक तो सीधा साधा सा एम यही है कि आपको कैसे अपना पढ़ाई को जो है उसको कवर अप करना है, ये तो आपका गोल नहीं है। उससे बैकलॉग क्लियर होगा? होगा तो देखते हैं आपको कितने टाइम में लगता है आप क्लियर कर लोगे। पता नहीं है, वो मेरे को जो आएगा वो भी गेम देखूँगा और बैकलॉग भी। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि उससे बैकलॉग क्लियर होगा, अभी आपको पता ही नहीं है? क्योंकि डेली एक पर्टिकुलर टाइम तो लगेगा, डेली का डेली जो आ रहा है वो तो होगा ही, गेल पिछला भी होगा कुछ टाइम, एक घंटे के करीब। देखो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ये आप अगर आप इस एटीट्यूड के साथ काम करते हो ना तो ये एटीट्यूड के साथ कि हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं सुनो तो मेरी बात है। हाँ, जो डेली की क्लास आ रही है वो होगी, उनका टाइम अलॉटेड है। हाँ, और जो एक घंटा बैकलॉग के लिए दिया है डेली वो भी होएगा। अच्छा, तो बैकलॉग क्लियर होना तो इसमें डेफिनेटली है ही। लेकिन जो आप डेली क्लास कर रहे हैं, क्या आपके उस वे से आप संतुष्ट थे, आप जिस तरह से क्लास कर रहे थे? हाँ, कर रहा था उससे तो संतुष्ट था। आपके नोट्स वगैरह बना रहे थे आप? बनाए तो सारे नोट्स थे पर वो रफ में थे, वो अभी पूरे भी कर दिए चिपका के। हैं, चलो देखते हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि वो हाल अभी दोबारा कंटिन्यू मत करो, नोट्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। आपके नोट्स जैसे हैं वैसी आपकी पढ़ाई है, और सीधी सी बात यह है कि जो आपने ऑनलाइन क्लास में किया, अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया है तो आपने वो किया ही नहीं है, ये नियम समझ लेना बेटा। एक चीज़ तो सैटरडे को रिवाइज का भी टाइम डाल लें, वो आप देख लेना। मैंने आपको बता दिया, अगर वो रिवीजन दो होनी चाहिए, एक 24 घंटे में होनी चाहिए, एक हफ्ते में होनी चाहिए। अब 24 घंटे वाले रिवीजन का टाइम कब डालोगे? या तो रात को सोने से पहले डालो। दो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फिजिकल भी मेहनत तो कम कर रहा है, पहले शेड्यूल में ठीक थी या कम थी? देख सीधी सी बात मैं तुझे बताता हूँ, एक तुझे अभी ना ये रनिंग वगैरह और डालनी पड़ेंगी, रनिंग बहुत कम है तेरी इसमें। तुझे लगता है कि अगर तू रनिंग करेगा तो तेरी बॉडी लीन बनेगी? ये सब लीन बॉडी तब बनेगी जब आप कोई पावर वर्कआउट नहीं करोगे। आप सिर्फ रनिंग करो, आप कोई पावर वर्कआउट मत करो तो लीन बॉडी होगी आपकी। आप अगर पावर वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी लीन हो ही नहीं सकती। तो ये है सामने वो स्टोर जिससे अभी हम लेंगे वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और आपको भी दिखाऊंगा कैसा है ये स्टोर। देखो, अकेडमी स्पोर्ट्स प्लस आउटडोर्स। अरे यहाँ मेरा पर्स तेरी, चलो जैले से हो जा जी मेरे ख्याल से। बड़ा ही महान काम कर दिया हमने, जर से हो रहा यहाँ पे मुझे लगता है। पहले पूछ ले, पर्स लाना भूल गए हम लोग, देखते हैं अभी है ना। इंडिया में वैसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, आप पर्स लाना भूल भी जाओ तो पेटीएम है, पेटीएम से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, है ना, बहुत वेज हैं आपके पेमेंट की। यहाँ पे ऐसा नहीं है इतना,
यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है ना इतना इतना अच्छा नहीं है जितना अपने वहाँ। लॉक कर दी गाड़ी? हाँ कर दी लॉक। No, actually I want to buy something but I forgot to bring my wallet. Will it be able to pay through Zelle? No, but Apple Pay, yeah. Like Tap to Pay? What? You have Google Pay? No. You have Google Pay? Do we have Google Pay installed? No. You have Google Pay? Sure. Like Tap to Pay? You know what? Like Tap to Pay? Like, will I be able to install it now? No, I mean, yeah. The only way you can do it is if you buy it online for pickup. Okay, will I be able to buy? Oh, if you buy it online here? You gotta wait until they get it though, until it's ready. Yeah. I would just probably go back and get your car, come back. Oh, fine, that's wonderful. So I'm gonna see the product and I will buy it online. Thank you. टाइम लगेगा तो हम क्या करते घर जाके क्रेडिट कार्ड ही वापस लाते। ऐसा कह रहे हैं? कुछ अच्छा गूगल पे मेरे को लगता है मैंने किया होगा यार, क्योंकि जब तेरे को पेमेंट भेजने की कोशिश कर रहा था शायद मैंने गूगल पे किया था तब। देखते हैं मैंने अपनी साइकिल यहीं से ली थी। पूछ लिया तो किसी से? किसी से पूछना ही पड़ेगा मुझे लगता है, इनसे पूछ ले। पूछ Excuse me. Hi. I'm looking for wrestling shoes. Wrestling shoes are going to be in the footwear department. They're going to be on the first aisle. That's going to be all sports. It's going to be near the end, I think next to cheer. On the that department? Mm-hmm. Thank you. No problem. Woh wahan keh raha hai. Bandukon ka. Acha dikhaiyo. Bandukon ka section. Bandukon ka section. Kasam se. Asli banduk hai, nakli banduk? Asli, ye section. Yeah, it's started. अच्छा भाई देखो ये, ओ वाह, ये देखो पिस्टल्स पिस्टल्स।
का सेक्शन है, ये देखो एक नंबर नहीं लग रही, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। देखो अभी प्राइस भी मेंशन है, ये सारे पिस्टल्स हैं और वो देखो सामने राइफल हैं। वो देख राइफल भी हैं। हाँ पता है, और सस्ती है ना, इतनी महंगी नहीं है इंडिया के कंपैरिजन में। $300 $650 की बड़ी वाली वो है, PI 350 ऐसे ही नाम होते हैं। कहाँ बताया उसने? यहाँ पे ये वेपन भी स्पोर्ट्स शॉप पे मिलते हैं, देखो मैंने भी आज ही देखे यार। कहाँ बताया उसने? बताया उस साइड है, शूज सेक्शन में मिलेगी आपको।